बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ हाज़िर हुई हूँ। बहुत ही मज़ेदार, बच्चों के लिए, सबके लिए बहुत ही यूनिक सा बर्गर है, अमेरिकन बर्गर है, जूसी लूसी चीज़ स्टफ़ बर्गर। आप अपने घर में इस बर्गर को ज़रूर ट्राई करें। इसको बहुत ही शौक से खाया जाता है, बहुत ही फेमस बर्गर की रेसिपी है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। मेरे पास जो है कीमा, वो तकरीबन 1 kg, थोड़ा सा चिकनाई वाला और रूखा, मतलब मिक्स कीमा है। इसमें हम थोड़ा सा ऑस्टर सॉस डालेंगे। मिक्स कर लो इसको अच्छी तरीके से। हाथों का इस्तेमाल मैं नहीं कर रही क्योंकि हाथों में चिकनाई की वजह से और ये फिर चिपकेगा बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं इसको स्पून से ही मिक्स कर रही हूँ। आप बीफ का बना सकते हैं, चिकन का भी बना सकते हैं। वैसे ये बीफ का ही बनता है जूसी लूसी बर्गर। इसके अंदर चीज़ स्टफ होती है, जिंजर पाउडर 1 teaspoon, गार्लिक पाउडर 1 teaspoon। जिंजर गार्लिक पाउडर ही डालिएगा, गीला लहसुन अदरक पिसा हुआ मत डालिएगा, उससे इसका जायका ख़राब हो जाएगा और ये पानी भी बहुत ज़्यादा इसमें आ जाएगा। तो आप सूखा लहसुन अदरक ही डालें, कोशिश यही करें, वरना आपकी मर्ज़ी है, आप फिर पिसा हुआ लहसुन अदरक भी शायद ऐड कर सकते हैं। काली मिर्च जाएगी इसमें तकरीबन 2 tablespoons के करीब। नमक जाएगा इसमें 1 tablespoon। अच्छा, मैंने इस में थोड़ी वेरिएशन की है। जो अमेरिकन जूसी लूसी बर्गर होता है उसमें सिर्फ ऑयस्टर सॉस, काली मिर्च, जिंजर गार्लिक पाउडर और नमक डलता है और चीज़ भर के उसमें, यानी चीज़ स्टफ करके उसमें, बस उसको को लो फ्लेम पे हल्का हल्का फ्राई कर लेते हैं, मतलब बहुत सारा तेल नहीं होता, सिर्फ ग्रीस करते हैं पैन को और उसको फ्राई कर लेते हैं। लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा हरी मिर्चें, चिली फ्लेक्स और हरा धनिया भी डालूंगी, थोड़ा सा इतना ज़्यादा ये फिर फीका फीका पसंद नहीं किया जाएगा, इसमें थोड़ा सा और फ्लेवर्स ऐड हो जाएंगे तो ये जायकेदार बन जाएगा, इसलिए मैंने इसमें वेरिएशन की है और इसमें और जिद्दत लाने की कोशिश की है। तकरीबन 1 मुट्ठी हरा धनिया जाएगा इसमें। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। फेमस और डिमांड्स वाला बर्गर है। आधे घंटे के लिए मैं इसे थोड़ा सा देर रेस्ट दूंगी, आधे घंटे के लिए इसको एक साइड पर रख देंगे। अच्छा, अब हम अपनी जूसी लूसी बर्गर की स्टफ़ तैयार करेंगे, इसकी बॉल तैयार करेंगे। इसकी बॉल तैयार ऐसे देखो, बहुत पतली पतली इसकी पैटी बनती है, बहुत बारीक बारीक, और इस पर चीज़ रख कर और इसके ऊपर एक और पैटी रखी जाती है। लेकिन इसके 2 तरीके हैं, या तो इसमें हल्का सा होल करो, ये देखो मैं बताती हूँ, देखो इसमें हल्का सा होल करो ऐसे, और ये इस तरह इस पे चीज़ जाएगी और ये इस तरह बंद हो जाएगा, ठीक है। ये 2 तरीके से ही बनता है, ये देखो ये बंद हो गया, सही है ये। अच्छा, अगर सेव करना चाहते हो, बटर पेपर रखो, 1 बटर पेपर रखो, ठीक है, और इसको ऐसे दबा दो। हल्के हल्के दबाओ, पैटी की शक्ल में आ जाएगा। ये आसान तरीका है पैटी बनाने का, कोई भी पैटी बनाओ तो इसी तरह बनाओ। अब ये तैयार है। आप इसको, ज़रूरी नहीं है कि ऊपर आप एक और बटर पेपर रखें और अलग से, आप इसको इस तरह भी सेव कर सकते हैं, इस तरह लेयर बनाते जाइए और इसको सेव कर सकते हैं आप किसी भी कंटेनर में रख कर, बंद करके टाइट। अगर आपको सेव करना हो, आप सेव करना चाहें तो आप इसको इस तरह सेव कर लीजिएगा, ठीक है। एक तरीका तो ये था, अब एक तरीका ये है कि ये देखो, हम इसको इस तरह बनाएंगे, बिल्कुल छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे, पतली पतली सी। जो बिल्कुल ओरिजिनल तरीका है ना, वो ये है जो मैं अब बता रही हूँ। ये बनता वैसे ऐसे ही है, जूसी लूसी बर्गर, इसकी पैटी ऐसे ही बनती है। ये बनाया और ये बहुत ही पतला सा दोबारा से हमने ऐसे पेड़ जैसा बना लिया। अब हम इसको इसके ऊपर रखेंगे, ये इस तरह, ये
तो ये थोड़ी सी मोटी सी लेयर आ जाएगी, ये इस तरह बन गया। अब आप इसको फ्रीज कर सकते हैं, पैटी की शक्ल दे सकते हैं। हल्के हल्के दबाएं, ज़्यादा ज़ोर से नहीं दबाइएगा वरना अंदर से चीज़ जो है वो सारी निकल जाएगी, बाहर आ जाएगी। बिस्मिल्लाह, ये कितना अच्छा पैटी बना है हमारा। आराम से आप इसे सेव करते जाएंगे, एक के ऊपर एक नहीं रखेंगे, एक के ऊपर एक इसको नहीं रखना है बिल्कुल, इसको अलहदा अलहदा ही रखिएगा ताकि ये चिपके ना, वरना आपको इसको जब फ्रीज हो जाएगा तो निकालने में आपको बहुत मुश्किल होगी, आपस में चिपक जाएंगे। तेल अच्छी बहुत सारा अच्छी तरह भर के नहीं डालना है। और फिर हम ये बन इस पर इस तरह टोस्ट कर लेंगे, सेक लेंगे, फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा। देखो इस तरह सेकेंगे, सब इस तरह हो जाएंगे, इस तरह लाइट लाइट गोल्डन सेक जाएंगे। अब हम अपने जूसी लूसी बर्गर पैटी सेक लेते हैं, यानी इसको थोड़ा सा टोस्ट करना है बस, समझे आप। मेरा अपना ज़ाती मशवरा है कि इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करो, क्योंकि एक जैसे खाने खा के जो है ज़बान का जायका भी बेकार सा हो जाता है, इंसान बोर हो जाता है। हर मुल्क के खाने जो अच्छे खाने हैं, जो हलाल खाने हैं, हमें ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ तैयार करूँ, आप लोगों को पसंद आए। चिकन बर्गर पैटी की रेसिपी नहीं देखी है तो वो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। उस तरीके से आप बर्गर पैटी, चिकन बर्गर पैटी सेव करेंगे तो आपको बहुत आसानी रहेगी बच्चों के लंच में, और वो बहुत ही कामयाब मेरी रेसिपी रही है। बहुत मुझे उस पर लाइक्स और कमेंट्स मिले। मेरे चैनल को आप विज़िट करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा मेरा चैनल, मेरी रेसिपीज़। जब तक ये पानी इसमें से निकलता रहेगा हम इसे अच्छी तरह से सेकेंगे, इसका चूल्हा ऑफ नहीं करेंगे, इसे उतारेंगे नहीं, एक तरफ से ये अच्छे से सिक जाए, फिर हम दूसरी तरफ से अच्छे तरीके से इसको जो है वो फ्राई कर लेंगे। इसमें से पानी अभी तक आ रहा है, इसका मतलब है ये अंदर से नहीं फ्राई हुए हैं, कुक नहीं हुए हैं। अब इसका स्पेशल सॉस तैयार कर लेते हैं। इसका सॉस इस तरह तैयार होगा कि हम खीरे में थोड़ा सिरका ऐड करेंगे और से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम मायनीज डालेंगे तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून। ये जो खीरा हमने सिरके में डुबो के रखा था, अब ये हम इसको इसमें ऐड करेंगे। मैंने डायरेक्ट ही मायनीज में खीरा मिक्स कर दिया है, इसको फेटा नहीं है, बस इतना मिक्स कर लें कि लम्स ना बने। मेरे पास बारबेक्यू स्प्रेड है, चिकन स्प्रेड बारबेक्यू सॉस, चिल्ली गार्लिक सॉस है मेरे पास। बारबेक्यू सॉस हमने 2 टेबलस्पून डाला है और चिली गार्लिक सॉस हमने तकरीबन 2 टेबलस्पून ही डाला है। अच्छी तरीके से मिक्स करें इसको। ये बड़ा खट्टा सा मिर्चों वाला ज़बरदस्त सा क्रीमी सा सॉस होता है। मस्टर्ड पेस्ट जाएगा इसमें, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स जाएंगी इसमें, 1 टीस्पून चिली पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। देखें ये सॉस तैयार हो गया है। ये देखें इनका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है और ये बिल्कुल पूरी तरह रेडी हो गए हैं, कुक हो गया है बिल्कुल। ये देखो कितनी ज़बरदस्त सी जूसी सी चीज़ है इसके अंदर, बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं ये देखने से ही, और पूरी तरह गले हुए हैं, पूरी तरह कुक हो गए हैं। मैंने बहुत बड़े बड़े बर्गर पैटी नहीं बनाए हैं, दरमियाने हैं और ये सिक्के सिकुड़ जाते हैं, तो इसलिए ये मत सोचिएगा कि ये बर्गर पैटी की तरह नहीं है, ये सेम बर्गर पैटी ही है। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करती चलूँ आप लोगों के साथ, कि ये बर्गर फॉरेन कंट्रीज़ में बेइंतहा पसंद किया जाता है। ये बर्गर उनका फेवरेट बर्गर है, ये 1950s से खाया जा रहा है। इसकी रेसिपी 1950s में
बनी थी और ये 1950s से उन लोगों का फेवरेट बर्गर है। जूसी लूसी बर्गर जो है वो साउथ मिनियापोलिस स्टेट में जाद हुआ था और ये बर्गर का एक यूनिक स्टाइल था जो कि गुपर स्टेट है कोई मिनियापोलिस की, वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड पाई जाती है इस बर्गर की। मेरा मशवरा है कि आप इस बर्गर को ज़रूर ट्राई करें क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही यूनिक और बहुत ही शानदार है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल बर्गर है ये। तो आप मेरी रेसिपीज़ को लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट्स में अपनी राय से आगाह करें। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।